और साहब जैसा बताएं कि हम जितना भी उपलब्धि किए, बस हमारे जितने भी वरीय हैं इन लोगों का बेहतर सहयोग रहा और एक्साइटमेंट इन लोग का रहा, बस हम लोग का तो बस कार्य एक्शन करने में रहा। वो काम किया, चाहे वो समाज के व्यक्तियों से संबंध बनाना हो, पुलिस की सक्रियता बढ़ानी हो, या अपराधियों पे नकेल कसना हो, अपराध घटित होने के पूर्व उसका अपराध नियंत्रण करना हो, या कांड दर्ज हो गया। ये धरती भी रोएगी, ये आसमां भी रोएगा, रविकांत तेरे जाने के बाद सारा जहां रोएगा। जी हाँ, जुदाई या विदाई दोनों बड़ा दुखदाई होगा। जब केहू एक जगह पर रह के लोग के प्यार जीत लेवेला, दुलार जीत लेवेला, जब जाए के बेला होला तब ही उमड़ पड़ला। जी हाँ, ये दृश्य है बक्सर जिला के मुरार थाना के, जहाँ एहिजा कार्य कर रहल थानेदार रविकांत प्रसाद आ सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह के विदाई के बेला रहे। एह मौका पे कुरान सराय थानेदार अभय सिंह, बसदेवा ओपी, चुनमुन कुमारी साथे साथ और कई गो बगेन के थानेदार पहुँचल रहे। समय के अनुसार एक न एक दिन सबके जाए के पड़ेला, यह समय के चक्र चलत रहेला। मुरार थाना के थानेदार रविकांत प्रसाद के बदली अब इटाढ़ी थाना में कह दिहल गई बटुए, जेकरा बाद विदाई समारोह के आयोजन एहिजा के भद्रजन सभ्य लोग गए। यह मौका पे नचा पंचायत के मुखिया वीर सिंह, अर्जुन सिंह, पिंटू सर साथे साथ विजय प्रताप सिंह मास्टर साहेब सहित तमाम सैकड़ों के संख्या में लोग उपस्थित रहे। यह विदाई समारोह में डीएसपी साहेब अफाक अख्तर अंसारी भी मौजूद रही, जे बढ़िया काम करेला। डीएसपी साहेब के कहना हटुए कि ओकर तारीफ करे के चाहिए। जी हाँ, यह मौका पे बेहतरीन है थाना क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करे वाला थानेदार रविकांत प्रसाद के कहनी कि जितना भी मामला आइले थाना से सॉल्व करत गईले, हमारा अनुमंडल क्षेत्र के वन ऑफ द बेस्ट थानेदार के रूप में केहू बात रविकांत प्रसाद बारे। यह मौका पे नया थानेदार कमल नयन पांडे के भी स्वागत, एहिजा के समाज सेवी आ साथे साथ बीडीसी प्रत्याशी लोग पगड़ी बांध के गए। यह मौका पे डीएसपी साहेब लगभग 10 मिनट तक बोलत रह गईनी, हालांकि थानेदार और सब इंस्पेक्टर, थानेदार रविकांत प्रसाद, सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह की आँख नम हो गई। इतना प्यार, इतना दुलार लोग के देख के नम हो गए। गाजा बाजा बैंड बाजा बारात कहल जाओ तो कम ना हो। जी हाँ, गाजा बाजा के साथ हिंकर विदाई कर। यह मौका पे लोग फूल माला से राजकुमार सिंह आ साथे साथ रविकांत प्रसाद के लाद दिहल। यह मौका पे नयका थानेदार के भी भव्य स्वागत जनप्रतिनिधि लोग कइल। लाइव अब तो आपका विदाई हो गया, क्या कहेंगे, इस थाने का अनुभव कैसा रहा? जी, ये तो परंपरा है हम लोग का विभाग का, चाहे अभी किसी विभाग का ये परंपरा रहा है कि हम लोग कहीं नई शुरुआत थाना मिलने पर करते हैं, उसके बाद विदाई, मतलब कि जिनका कार्यकाल अच्छा या जो भी हो सिस्टम के अनुसार होते रहा है। तो मेरी भी यहाँ 2 साल 4 महीना या 5 दिन हुआ, और आप लोग का स्नेह रहा, और आप लोग इसके सबसे बड़ा भागीदारी है कि आप लोग का सहयोग रहा, सहयोग की वजह से और हमारे पूरे टीम की वजह से। और साहब जैसा बताएं कि हम जितना भी उपलब्धि किए, बस हमारे जितने भी वरीय हैं इन लोगों का बेहतर सहयोग रहा और एक्साइटमेंट इन लोग का रहा, बस हम लोग का तो बस कार्य एक्शन करने में रहा और एक्साइटमेंट इन लोग का रहा। तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ अपने वरीय से, SDPO साहब से। यहाँ के लोगों का स्नेह देख करके आप क्या कहें? और स्नेह है और बना ही रहेगा, और आना जाना तो लगा रहता है। मेरा भी पर्सनल नंबर है, जिनको भी दिया गया है ले भी लेंगे, और अभी मैं बक्सर में ही इटाड़ी थाना अध्यक्ष के रूप में हूँ। फूल और पगड़ी से आपको लाद दिया गया है, क्या कहेंगे? अब आप लोग का प्यार है इसमें, आप लोग का स्नेह है, और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें
जो निवर्तमान थाना अध्यक्ष थे रविकांत, उनका स्थानांतरण हुआ है और नए थाना अध्यक्ष द्वारा आज योगदान दिया गया है। मुरार में कुल 5 पंचायत है और यहाँ 30 गांव है, लेकिन यहाँ की जो विधि व्यवस्था थी, अपराध नियंत्रण था, अपराधियों पर नकेल कसने का काम जो रविकांत ने किया वो अपने आप में एक आदर्श एग्जाम्पल है। मैं जब से यहाँ पे कार्यभार संभाला अनुमंडल में एज SDPO, मैं कभी भी किसी भी कांड में गिरफ्तारी हेतु स्वयं आकर के मुरार क्षेत्र में ज्यादा मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ा। मैं केवल रवि को बोलता था कि रवि ये आदमी अभियुक्त है, इस पे आप कार्रवाई कीजिए, इस पे इसकी गिरफ्तारी करनी है। मेरा कहना होता था, रवि का रेस्पॉन्स टाइम 10 से 20 मिनट्स में वो प्रस्थान कर जाते थे और शाम तक मुझे रिजल्ट मिल जाती थी। इस कारण इन्होंने जो पुलिसिंग की यहाँ पे मुरार में, मेरा मानना है कि यह थाना अध्यक्ष के रूप में जो इन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन किया वह अपने आप में एक एग्जेम्पलरी है। और मैं बड़ी दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि रवि के द्वारा किया गया कोई भी कार्य कभी किसी ने उस पर प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से न्याय संगत और विधि अनुकूल जो कार्य होना चाहिए एक थाना अध्यक्ष का उन्होंने किया। गरीब से गरीब जनता आती थी इनके पास किसी कार्य के लिए, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होना चाहिए वह करते थे और मुझे सूचित करते थे। मैंने देखा इनके द्वारा जो कार्रवाई की गई उसमें प्रमुख रूप से 3-4 कांड का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। 1 89 23 एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था, जिसमें वह लड़की चली गई थी यहाँ से और उसे 2 लड़के जो कि ट्रेन में सामान बेचते थे फतुहा और पटना में रह करके उसको सेक्सुअली अब्यूज किए, उसकी गिरफ्तारी के लिए रवि बहुत अथक प्रयास किए। अंतोगत्वा दोनों व्यक्ति को हम लोगों ने पटना से और फतुहा से गिरफ्तार किया। 3 कांड ऐसा दर्ज किया गया यहाँ पे कि गरीबों का, जो किसान थे गरीब, उनका धान खरीद करके और पैसा उन्हें नहीं दिया गया, धोखेबाजी और वित्तीय धोखेबाजी की गई थी, वो भी एक प्रतिष्ठित बीज निगम के कर्मचारी द्वारा, अजीत कुमार द्वारा। वह व्यक्ति बहुत ही सातिर किस्म का व्यक्ति था, अपना मोबाइल बंद कर लेना, अपना स्थान हमेशा बदलते रहना, लेकिन हम और रवि बराबर उस पे लगे हुए थे और रवि द्वारा मुझे बताया गया कि सर मुझे मुजफ्फरपुर जाना होगा या अन्यत्र कहीं रेड करना होगा, उसके बाद ही हम बोले आप करिए लेकिन हमें गिरफ्तारी चाहिए। और रवि ने उसकी गिरफ्तारी की। उस धोखेबाज व्यक्ति का नाम था अजीत कुमार, जो यहाँ पे 3 कांड और नगर थाना में 4 कांड, यानी कुल 7 कांडों में करोड़ों रुपए की धान खरीद करके लोगों के साथ धोखेबाजी किया था, छल किया था, उसे इन्होंने जेल भेजा। इस क्षेत्र में बाइक के चोरी की घटना बढ़ रही थी, पुरानसराय में, रघुनाथपुर में, ब्रह्मपुर थाना में, बगेन में। मैंने अपने सबसे विश्वसनीय थानेदार रविकांत को इसमें लगाया। उन्होंने 2 कांडों में, 1 65 23 और 1 90 23, जो उल्लेखनीय है, अन्य भी कांड हुए थे जिसमें उन्होंने कार्रवाई की, तो इसमें दोनों कांडों में 3-3 व्यक्ति को जो गाड़ी खरीदते थे, बेचते थे और 2-2 बाइक रिकवर किया, उन्हें जेल भेजा। और भी मेरे आने से अभी तक 9.5 महीने के अवधि में इन्होंने कुल 54 व्यक्तियों की गिरफ्तारी स्वयं की और उसमें किसी भी IO को कोई परेशानी नहीं हुई। IO कोई भी रहता था, लेकिन जो पुलिस मैनुअल में प्रावधान है कि किस थाना अध्यक्ष सभी कांडों का अपना नियंत्रण रखेगा, ये प्रभावी नियंत्रण रखते थे और प्रभावी के उसके लिए गिरफ्तारी करना, जो विधि सम्मत कार्रवाई होती थी ये स्वयं आगे बढ़ के करते थे। तो कल इनका स्थानांतरण हुआ तो मुझे दुख भी है, लेकिन खुशी इस बात की है कि इनका स्थानांतरण इसी जिला में है और ये इटाढ़ी थाना में जाएंगे और अच्छा कार्य करेंगे। पुलिसिंग के लिए इन्होंने हर काम वो काम किया, चाहे वो समाज के व्यक्तियों से संबंध बनाना हो, पुलिस की सक्रियता बढ़ानी हो, या अपराधियों पे नकेल कसना हो, अपराध घटित होने के पूर्व उसका अपराध नियंत्रण करना हो, या कांड दर्ज हो गया तो उसका उद्भेदन करना हो, इन्होंने हर पहलू पे अपना बेहतर दिया।
और मैं बोलता हूँ कि मेरे अनुमंडल के जो 16 थाने हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर। और दो कांडों में जिन्होंने, जैसे अजीत कुमार की गिरफ्तारी में और बाइक गैंग और लड़की वाले कांड में, तीन कांडों में मैं इन्हें अपने वरीय अधिकारी के पास प्रशस्ति पत्र के लिए इनकी अनुशंसा करूंगा। और कुल अभी तक 9 महीने में 54 गिरफ्तारियां इन्होंने की। अभी आज के डेट में मुरार थाना में जनवरी तक दर्ज कांडों में एसआर केस जो भी हुए थे उसमें कोई गिरफ्तारी के लिए पेंडिंग नहीं है। एक कांड अभी यहां पे हुआ मुरार चौगाई में जिसमें हवाई फायरिंग की गई, उसके लिए भी उसमें 3 व्यक्तियों पे एफआईआर हुआ है। और हमेशा गिरफ्तारी के लिए रवि विभिन्न जगहों पे जाकर रेड कर रहे हैं और यह जिम्मेदारी रवि की ही रहेगी कि जो भी उसमें अपराधी हैं, जो नामजद व्यक्ति हैं, उसकी गिरफ्तारी, भले रवि का स्थानांतरण हो गया है लेकिन उन तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी रवि द्वारा ही की जाएगी। उसमें कोई भी ऐसा कांड नहीं दर्ज हुआ जिसमें कि रवि ने ऐसी कोई गिरफ्तारी की हो जिसपे कोई सवाल उठा हो या विवाद का विषय, ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एक भी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने देखा कि पुलिस और पब्लिक के बीच जो संबंध होनी चाहिए थी उन्होंने बहुत बेहतर बनाया। और अपराध पे नकेल कैसे कसे जाती है इन्होंने करके दिखाया। अब प्रिवेंटिव पुलिसिंग में गश्ती हुआ या वाहन जांच हुआ या अन्य अपराधियों पे जो संदिग्ध है उन पर नजर रखना हुआ, ये हमेशा बारीकी से नजर रखते थे। आज के डेट में इनके पास इस थाने में एसआर लंबित जो कांड है वह दिसंबर तक जो भी कांड दर्ज हुए थे सबका निष्पादन हो चुका है। और वर्तमान में इनके पास एसआर केस में गिरफ्तारी के लिए केवल गोली कांड के अलावा कोई कांड नहीं है। केवल हवाई फायरिंग जो हुई थी मामला, जो 424 कांड दर्ज किया गया, उसके अलावा कोई केस पेंडिंग नहीं है। नन एसआर केस में मात्र 2 व्यक्तियों की दारू के मामले में गिरफ्तारी के लिए लंबित है। तो यह अपने आप में एक एग्जेम्पलरी वर्क है कि इन्होंने अपने समय में अपने थाने में दर्ज सभी कांडों का निष्पादन करके नए आने वाले थानेदार को बिल्कुल नए सिरे से कार्य करने का मौका दिया है। और मेरा विश्वास है कि जो भी यहाँ पे जनता है उसे इस बात का एहसास है कि रवि ने बहुत अच्छा काम किया। और आने वाले थानेदार जो हमारे पांडे जी हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, ये अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, पूरा पूर्ण विश्वास है कि अपने दायित्व का, जनता का विश्वास पे खड़े उतरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।